हेलो गाइस, सो वेलकम टू अनदर पार्ट ऑफ मोटोरोला एच 50 प्रो 5G मोबाइल। सो मैं इसकी ऑलरेडी एक मोबाइल की वीडियो डाल चुका हूँ, इसकी डिटेल्स, फीचर्स के साथ, इसके कैमरा यूसेज के साथ। सो बेसिकली ये वीडियो जो है वो सिर्फ और सिर्फ गेमिंग और कैमरा और कुछ बेसिक फीचर्स पे फोकस करेगी, और ये कितना इसका आउटपुट आता है, हीट कितना होता है और वीडियोस कैसे चलती हैं, वो सब मैं इसमें चेक करके देखूंगा आगे। सो कुछ गेम्स इंस्टॉल किए हैं मैंने, कुछ ऐप्स इंस्टॉल करी हैं जो स्कोर्स बताएंगे इसके, कुछ कैमरा टेस्टिंग भी करी हैं, तो वो सब आगे देखते हैं, कवर करते हैं इसमें। सबसे पहले ये GPU वाली ऐप खोलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। पहले तो रेटिंग देने को आ रहा है, 8 कोर 4M प्रोसेसर, 51 GB भरी हुई है। ये है इसका, वाह मैप इसमें भी है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। इसकी वाईफाई रेंज कितनी आ रही है, 6.7 है। 44 रैम यूटिलाइज है, 4410 mAh बैटरी है, 55 भी नहीं है, धोखा। 4957 12 GB रैम, अच्छा तो 12 GB रैम में से इतनी हो रखी है यूज़। तो सिर्फ बेसिक चीज़ें दिखा रहा है, कुछ इतनी यूज़फुल है नहीं ऐप, बस यही दिखा रहा है। तो उसकी ऐप पे चलते हैं, Geekbench एक्सेप्ट रन, और ये टाइम लेगा, थोड़ा वेट करते हैं फिर आते हैं, तब तक किसी और पे चलते हैं। AI बताओ, AI बेंचमार्क भी आ गए अब, स्मार्ट टेस्ट AI, ये AI टेस्ट करेगा मोबाइल को। ये मैंने पिछले मोबाइल में भी रन किया था, शायद कोई एक मोबाइल लिया था मैंने पीछे जिसकी वीडियो डाली है, वन प्लस नॉर्ड सी फोर हाँ समथिंग कुछ तो था, वो किसी फ्रेंड के लिया था, उसकी वीडियो भी डाली है। ओके ये क्या है, पता नहीं क्या क्या ऑन हो गया। वापस से बैक जाते हैं, टेस्ट AI पे क्लिक करते हैं, बेंचमार्क इज रनिंग विच विल टेक 30 मिनट्स, मिनिमाइज कर दो, तब तक हम पबजी सेट, तब तक हम पहले गेम ही सेटअप कर लेते हैं सारे। इसको ऑन कर दो, इसको ऑन कर दो, गेम सेट करते हैं फिर मिलते हैं, छोटा सा गेम खेल लेते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी में। ये हमारा घर, ये हमारी बस, और ये हमारी टीम, ये दूसरों की टीम। चलो 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 चलो, यहाँ चलो, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, उनके इलाके में घुस गए हम। यस विक्ट्री, स्पेशल फोर्स 20। पता नहीं पहला गेम लोग जीतते क्यों हैं, आपको दिखाने के लिए, देखो भाई ये गेम आप ही के लिए बनाए, खेलो। MVP तो नहीं चाहिए, अब नेक्स्ट पे जाते हैं, नेक्स्ट गेम पे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा पबजी अपडेट हो गया, इसमें गेमिंग मोड भी है, ये रहा, अलाउ कर देते हैं, जो कि करना ही पड़ेगा, कुछ ऑप्शन है नहीं, ठीक है पबजी इंस्टॉल हो रहा है। तब तक हम एसफॉल्ट पे जाते हैं, एसफॉल्ट लेजेंड्स यूज़ किया हमने गेम खेलने के लिए, एसफॉल्ट लेजेंड यूनाइट। ओके होल्ड फॉर ड्रिफ्ट, फिनिश। तो मजा नहीं आया, इंस्ट्रक्शन बहुत दे दिए इसने, लेजेंड यूनाइट। और हम ऐसे ही खेलते हैं, ज़ूम, ये
ये फोन एआई टेस्टिंग हो रही है भाई साहब। सारे ऑब्जेक्ट, सारे ऑर्नामेंट्स, सारे चीजें, सब चीजें पढ़ रहा है, देख रहा है, समझ रहा है। एल्बर्ट आइंस्टाइन की फोटो भी आई थी, सारे ऑब्जेक्ट, सारे स्पोर्ट्स गेम्स, कार, बस, लाइक पेंसिल से लेकर एरोप्लेन तक सब कुछ टेस्ट कर रहा है। बहुत टाइम लगेगा, देखते हैं। गीक बेंचमार्क की, तो गीक बेंचमार्क मैंने रन कर दिया था, ये इसके रिजल्ट्स हैं, और जीपीयू रन किया था, ये इसके रिजल्ट्स हैं। इसको मिनिमाइज कर देते हैं। AI मैंने कल रन करके दिखाया था, तो AI का स्कोर 298 आया, जो कि नॉट बैड है, गुड नहीं है बट नॉट बैड है। तो ये देख सकते हैं, इतनी सारी AI की टेस्टिंग करी है भर भर के। थोड़ा सा कैमरा टेस्ट कर लेते हैं। ओके, टेक अ टावर टूर लेते हैं हम। नेक्स्ट ओके। तो इसमें है, हमारे पास मिलता है हमको वीडियो ऑप्शन। वीडियो में हमको मिलता है 4K फुल HD स्टेबल वीडियो ऑप्शन भी है, गुड, ठीक है, सिर्फ फुल HD और 4K। इसमें फ्लैश लाइट, नाइस, फ्लैश लाइट बंद कर देते हैं। अगर हम सेटिंग्स में चलते हैं तो फ्रंट फोटो रेजोल्यूशन स्टैंडर्ड की जगह हाई रख सकते हैं। शॉट ऑप्टिमाइजेशन ठीक है, ऑटोमेटिकली स्विचेस मैक्रो कैमरा व्हेन शूटिंग मैक्रो ऑब्जेक्ट्स ऑफकोर्स। वाटरमार्क नहीं चाहिए, गूगल लेंस चाहिए। AI ऑडियो ऑडियो जूम एम्पलीफाई ऑडियो टू द जूम एरिया, ऑफकोर्स जहाँ पे भी हम जूम करेंगे उस जगह का ऑडियो आएगा, ठीक है, ओके। एफिशिएंट वीडियो सेविंग, S25 कंपैटिबिलिटी इज लिमिटेड फॉर द सेल्फी मिरर नहीं चाहिए। कैप्चर मेथड्स, जेस्चर सेल्फी शो या पाम टू टेक अ सेल्फी, स्माइल, टैप एनी वे टू कैप्चर सेल्फी, सब कर दो, क्लिक करते ही सेल्फी आ जाए। क्विक कैप्चर, कीप लास्ट मोड, लास्ट मोड जो भी कैमरे का ओपन किया वही खुले, ठीक है, इतनी काफ़ी है सेटिंग्स। ये हमारे पास स्लो मोशन है, स्लो मोशन के लिए हमारे पास फुल HD है और HD है बस, 120 FPS में HD। अगर मैं फुल HD में जाऊँ तो फुल HD मेरे पास आता है 120 एंड 240, 240 FPS में भी है। इसके बाद हम जाते हैं वीडियो में। वीडियो हमारे पास 4K में लिखा हुआ नहीं कितना FPS का है। कैमरा है हमारे पास ये, ओके, एंड फिर हमारे पास पोर्ट्रेट आ जाता है। कैमरा हम खींचते हैं तो इसकी फ़ोटो अगर हम खींचे, ओ क्लिक करती फ़ोटो, नाइस, जैसा कि हमने वो किया है कि क्लिक करती फ़ोटो आएगी, फ़ोटो खींच गई है। अगर हम फ़ोटो देखें तो फ़ोटो में डिटेलिंग तो काफ़ी ठीक ठीक है, ठीक है। अब जैसे इसको देख सकते हैं तो ये 9K लिखा हुआ दिख रहा है, इसमें स्क्रैचेस इतने दिख रहे हैं। और मैं अगर इसको लेंस लेके कंटिन्यू करूं, इसको ढूंढूं, सिर्फ इसको, तो देखिए 9K दिख गया है, पहना भी है। पोर्ट्रेट मोड, फिर है प्रो मोड। पोर्ट्रेट में बहुत सारे ऑप्शन है, 24mm, 35mm, 50mm एंड 85mm, नाइस। पोर्ट्रेट में एक तरीके से जूम का फीचर है। प्रो पे चलते हैं, ऑफकोर्स प्रो की सेटिंग्स हैं। स्कैन के लिए कुछ स्कैन करना हो आपको, उनको कुछ स्कैन नहीं करना, उसके लिए मोर में जाते हैं। मोर में स्पॉट कलर, नाइट विजन, पेनोरमा, अल्ट्रा रेजोल्यूशन है, ड्यूल कैप्चर है, फोटो बूथ है, फोटो बूथ में ये आ जाता है फ्रंट कैमरा, टिल्ट शिफ्ट है, तो लॉन्ग एक्सपोजर भी खींच सकते हैं, नाइस, टाइम लैप्स, स्पॉट कलर, ड्यूल कैप्चर, अल्ट्रा रेजोल्यूशन, नाइस, अल्ट्रा रेजोल्यूशन की पिक खींच के देखते हैं। अल्ट्रा रेजोल्यूशन जो फ़ोटो है देख सकते हैं, फ़ोटो अल्ट्रा रेजोल्यूशन फ़ोटो 50 MP की फ़ोटो आई है। और जबकि मैं दूसरी फ़ोटो को देखूं तो ये आई है अपनी 12 MP में, और ये 12, तो यानी अगर 50 MP यूज़ करना है तो अल्ट्रा यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी हमने एसफॉल्ट खेल के देख लिया, वॉरशिप मैंने दूसरे पुराने मोबाइल में खेल के देखा है, पबजी के लिए इतना टाइम है नहीं, पबजी खेला था मैंने, ठीक चल रहा है, पर पबजी फिर भी चला के देखता हूँ। पुराना मोटो मोबाइल भी एक बार मैंने लिया था 14-15 हज़ार का, भाई साहब वो तो ऐप्स इंस्टॉल करते करते ही हैंग होना और हीट होना स्टार्ट हो गया था। इसका प्रोसेसर ठीक है भाई, 30,000 रुपये का मोबाइल है तो ठीक प्रोसेसर देना चाहिए, 28,000 विद बैंक ऑफर्स।
कुछ तो आ गया है नया सा, पता नहीं क्या है। वाओ कुछ नई थीम आ गई लगता है, स्किप कर रहा है इसको। क्या आ गया भाई, कौन सी बात है? चलो ऐसे इंग्लिश नेक्स्ट करते हैं भाई। इन्हें भी कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा ही ताकि लोग गेम खेलते रहें, गेम की तरफ आकर्षित अट्रैक्टिव होते रहें। ये हमारे गोल्डन भैया हैं। अरे पंछियों ने प्लेन क्रैश कर दिया क्या? दो भाई ब्रांडिंग लेवल देख रहे हो आप, ब्रांडिंग भी हो रही है मोबाइल में। कुछ तो छोड़ दे बहन मेरे लिए, तो भागो 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 भागो, लुको लुको लुको। कोई तो नया मैप है, सुसाइड करना पड़ेगा। और कुछ तारा नहीं था मेरे पास सुसाइड करने के अलावा। तुम्हारा मारा पहला मारा, ओ मैंने गलती कर दी बाहर आके। सब रानी के महल के अंदर ही है। कौन मार रहा है? Get in the car. कुछ तो लोग आपस में बात कर रहे हैं यहाँ पे। भाई निकलेंगे कहाँ से यार, यहाँ पर निकलेंगे कहाँ से? पांच रह गए, पांच में से तीन तो हम ही हैं, दो और रह गए। ढूंढो कहाँ है वो दो बॉट्स, कई बॉट बाहर ही तो नहीं मर गए? लूट के पास चलते हैं, लूट के पास बॉट होंगे। लूट तो किसी ने लूट लिया पहले ही, अब लूट के क्या करूंगा जब पांच ही लोग रह गए, कुछ है ही नहीं इसमें लूट में भी। अरे मैं सर्कल से बाहर आ गया, भागो 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 भागो। मैं जीत गए बताओ। मैंने गाइस कहा ही था जब भी पहला गेम खेलो ऐसा तो आप जीत ही जाते हो, पता नहीं क्यों। थोड़ी सी दूसरी गोली भी चलाते हैं, खत्म। विनर विनर चिकन डिनर। पता नहीं क्यों गाइस पहला मैच खेलो जितते ही आप कोई सा भी गेम खेलो, मैंने आज से यही रिकॉर्ड रहा है, मैं पहला गेम कभी नहीं आ रहा लाइफ में। बॉट वॉट सबको जिता देते हैं मुझे लग रहा है। गिफ्ट ठीक है, ये भी हो गया है। उसके बाद मैंने आपको बेंचमार्क वगैरह सब दिखा दिया था पहले ही, तो 4 कोर है, 1.8 गीगाहर्ट्ज, 3 कोर्स 2.4, क्लस्टर 3 1 कोर 2.63 गीगाहर्ट्ज। इसका है एंड्रॉयड 14 Adreno 720 448 PPI। कैमरा क्वालिटी मैंने दिखा दी है, वीडियो क्वालिटी मैंने दिखा दी है, साउंड वाइब्रेशन बैटरी है इसकी 79% अभी, तो बैटरी मैंने चार्ज किया था, जल्दी चार्ज हो गया था। बैकग्राउंड ऐप चार्ज बूस्ट, व्हेन चार्जिंग बूस्ट इज ऑन योर फोन विल ऑप्टिमाइज चार्जिंग बी सेफली बूस्टिंग द चार्जिंग स्पीड, दिस प्रोसेस में हीट अप योर डिवाइस। नहीं भाई नहीं चाहिए हीट अप। बैटरी परसेंटेज ऑफकोर्स दिखनी चाहिए, पता लगना चाहिए कितना और है। जेस्चर मैंने सब ऑन कर दिए थे। अबाउट फोन में जाएंगे तो ये है डिवाइस डिटेल्स, एंड्रॉयड 14, गूगल प्ले स्टोर का नवंबर का अपडेट है भाई, ऐसा कैसे नया अपडेट तो आया होगा। 2024 में मोबाइल बना, 2023 का अपडेट कैसे है? 1 नवंबर 2023 का सिक्योरिटी पैच अपडेट ही तो हो गया है, तो कंटिन्यू करते हैं। एंड्रॉयड 14, एंड्रॉयड 14 का ये खासियत, इसको दबा के रखो तो लंबा लंबा खींच जाता है। नो वाइब्रेशन आ रही होगी, पता नहीं वाइब्रेट हो रहा है मोबाइल बहुत तेज। और ये फिर अजीब सा गेम है, एक पता नहीं क्यों है क्या है। ठीक है इसको हटाओ, अपडेट हो गया है, रिस्टार्ट। सो ओवरऑल मोबाइल इज़ गुड। ये वीगन लेदर ज़्यादा चलता नहीं है, इसकी लेयर्स निकलने लगती हैं कुछ टाइम बाद, लेकिन ठीक है
इंस्टॉल बी एटम्स। ये हेलो मोटो आ गया, स्टार्ट हो गया। तो गाइज यही है मोबाइल का अपडेट, ओवरऑल मुझे तो पसंद आया है 28,000 में। देखते हैं आगे कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं बताऊंगा आपको, बट ठीक है अभी तक तो भाई के लिए लिया है ये, ऑफकोर्स मेरे लिए नहीं लिया है। हेलो मोटो, बाय बाय मोटो, सी यू, टेक केयर, बाय बाय। मैंने मोटो की पहले वीडियो डाली थी, मेरे किसी भाई ने यहाँ पे पूछा है कि उसमें 2160 HDR वीडियो चलेगी, तो देख सकते हैं मैंने एक वीडियो चलाई है, साउंड मैंने ऑफ कर दिया है। तो इस वीडियो को अगर मैं चलाता हूँ इसका हाईएस्ट रेजोल्यूशन पे 2160p, तो देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा अटक 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 के चल रहा है, काफ़ी स्लो टाइप का, लाइक हैंग टाइप का लग रहा है या स्लो मोशन ग्लिच करके चल रहा है। तो यस, ये इस हाईएस्ट रेजोल्यूशन पे थोड़ा अटक अटक के चलता है, बट अगर रेजोल्यूशन आप डाउन करेंगे तो थोड़ा सा ये स्मूथ चलेगा। तो हाँ, इसमें ये लैग है, और अगर मैं इसका रेजोल्यूशन थोड़ा सा और डाउन कर देता हूँ तो ये थोड़ा सा बेटर चलेगा। देख सकते हैं अभी थोड़ा बेटर चल रहा है, अगर मैं फुल HD पे चलाऊंगा तो बिना किसी लैग के चलता है। देख सकते हैं अभी ये 1440 पे चल रहा है, अगर मैं इसको 1080 पे कर देता हूँ तो ये स्मूथ चलता है बिना किसी लैग के। तो हाँ, 2K 4K रेजोल्यूशन में थोड़ा सा ये ग्लिच करता है, थोड़ा सा हैंग होके चलता है, अदरवाइज टिल 1080 इट्स वर्किंग टोटली फाइन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।